दोस्तों, कई बार हम शॉपिंग करते समय डिस्काउंट देखते हैं। कभी मोबाइल्स पे 20% डिस्काउंट होता है, या कभी हम ड्रेस पे 25% डिस्काउंट देखते हैं, या कुछ बैंक आपको कम परसेंट पे लोन ऑफर करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज को निकालते कैसे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिशत क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, और देखेंगे साथ ही उसके कुछ उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे परसेंटेज या प्रतिशत होता क्या है। गणित में किसी भी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, उसे ही हम परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, उसको परसेंटेज इस साइन से डिनोट किया जाता है। यह चिन्ह आपको कहीं भी दिख जाए तो समझ लीजिए आपको प्रतिशत या परसेंटेज निकालना है। प्रतिशत इस वर्ड को हम अगर अलग अलग लिखेंगे या उसका विखंडन करेंगे तो हमें मिलेगा प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब सौ, या उसे ही हम कहेंगे सैकड़ा। इसी का मतलब है कि हमें किसी भी संख्या को सौ के अनुपात में मापना है। दोस्तों, प्रतिशत को ही हम कहते हैं पर हंड्रेड या परसेंट। हमें अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत या परसेंट निकालना है तो हमारे पास एक आसान फॉर्मूला है। दोस्तों, समझो हमें किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो हम उस संख्या को उस प्रतिशत से गुना कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि प्रतिशत को या परसेंटेज को किस तरह से निकाला जाता है। तो हमारा पहला उदाहरण है, हमें 840 का 5% निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले 840 को नीचे लिख लेंगे। अब हमें 840 का 5% निकालना है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे 5 / 100। हमें चाहे किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि उस संख्या को लिखो और उसके बाद उस परसेंटेज के नीचे 100 लिख दो और वो परसेंटेज की साइन को हम हटा देंगे। तो चलिए हम इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो गौर से देखिए, एक जीरो नीचे कट गया, एक जीरो ऊपर कट गया। अब देखिए क्या बच गया, 84 × 5 / 10। अब इसको हम लिखने के बाद देखेंगे कि दोबारा कुछ कटता है क्या। तो देखिए, 5 के टेबल में 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो इसके बाद हमारे पास बच गया 84 × 1/2। इसको हम साइड में लिख लेंगे। अब देखिए, 84 के यूनिट प्लेस में 4 ये वैल्यू है, मतलब इसको 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो 2 / 84 = 42। तो इसके बाद जो हमारा बचा है वो है 42 × 1/1। तो इसको हम नीचे लिख लेंगे। तो 42 × 1/1 का ही मतलब होता है 42। तो कुछ इस तरह से हमें आंसर मिला। 840 का 5% होता है 42। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल में। इस सेकंड एग्जांपल में हमें 376 का 45% या 45% हमें निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 376 को नीचे लिख लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 / 100 से। तो अब देखिए, हमको 376 को 100 से डिवाइड करना है। 376 इस संख्या को हमने 100 से अगर डिवाइड कर दिया तो हमें मिलेगा 3.76 × 45। अब कुछ स्टूडेंट, इन्हें यह समझा नहीं होगा कि 376 को 100 से डिवाइड करने पर 3.76 कैसे मिला। तो देखिए, हम कोई भी तीन अंक की संख्या को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो उसके पीछे वाला जो पॉइंट होता है वो लेफ्ट साइड में 2 अंक सरक जाता है। जैसे कि 824 को हमने अगर 100 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 8.24। उसी तरह से 376 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिला 3.76। अब हमारे पास बचा है 3.76 × 45। इसे सादे मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 169.2। यही हमारा आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको परसेंटेज निकालना समझ गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।